हमको जगह दी जाए सवारी बैठाने की और उतारने की। आज हमको कहीं जगह नहीं अलाट करी प्रशासन ने, और हम जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ पुलिस वाले और प्रशासन होमगार्ड वाले आके हमारे से अभद्र व्यवहार से पेश आते हैं। मुख्य मांग हमारी यह है कि भाई हमको बैठाने की और उतारने की सवारी की जगह बताई जाए कि भाई इस लाइन के अंदर आप खड़े हो। प्रशासन क्या चाह रहा है आपसे? आप प्रशासन तो यू हमारे से कोई बात करना ही नहीं चाहता। प्रशासन तो कहते आप चलते रहो, ऑटो कहीं खड़ा नजर नहीं आना चाहिए। सुरेश जी टांग को, हमारे विधायक महोदय को और स्थानीय प्रशासन पर उन्होंने इतना दबाव बना रखा है कि वो कहते हैं कि ऑटो तो हमको किशनगढ़ में नजर ही नहीं आने चाहिए। फिर किस तरह से आप अपना जीवन यापन करेंगे? यही बात हमारी, ये मुख्य मांग है कि भाई जो हमको निर्धारित जगह तो दी जाए सवारी। जैसे पुराने रेलवे स्टेशन पाड़िया की सर्किल पे कोई सवारी उतरवाने वाली है लेडीज, तो हम उसको कहाँ ले जाके उतारे? अगर उसको हम आगे ले जाएंगे और कोई ऑटो में अकेली लेडीज बैठी है और वो आगे गई और वो चिल्लाने लग गई, तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। वही कहेगा ये ऑटो वालों ने इसके साथ कोई बदतमीजी करी है। अब आज किस तरह से विरोध किया आपने? क्या आज हम सभी ऑटो चालक मिलकर किशनगढ़ के अंदर ऑटो पूर्ण रूप से बंद कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम सफल भी हुए हैं। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भाई हमको सवारी बैठाने की और उतारने की जगह दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे किस तरह से आगे हम आंदोलन और करेंगे। और हमारी मुख्य मांग जो है कि हमने रोड को सकड़ा हमने नहीं किया है। रोड को सकड़ा नगर परिषद किशनगढ़ और किशनगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है। और हम ये मांग करते हैं कि 1970 से 70 का नक्शा निकला जाए कि ये रोड कितना चौड़ा था। और ये उस ज़माने में नेशनल हाईवे नंबर रूट नंबर 8 था और 100 फीट का रोड चौड़ा था। इसको सकड़ा हमने नहीं किया, बिल्डिंग हमने नहीं बनाई है। बिल्डिंग इन स्थानीय प्रशासन के अवैध रूप से पैसा कमा के इन्होंने बनाई है बिल्डिंग। अगर ये रोड को उस ज़माने में इतनी गाड़ियाँ नहीं थी जितनी गाड़ियाँ आज है। उस ज़माने को प्रशासन को ये ध्यान था कि रोड चौड़ा रखना है, मगर आज के प्रशासन को अवैध रूप से पैसा कमाने के चक्कर में मेन चौराहे के ऊपर बिल्डिंगें बन रही है। जितने भी कम्प्लेक्स किशनगढ़ में बने एक में पार्किंग व्यवस्था नहीं है। अब आप किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया सभी ऑटो चालकों ने? आज हम बंद रखकर और प्रशासन को हमने कल ज्ञापन दे दिया है, अगर हमारी मांग की सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल वहीद है, अध्यक्ष ऑटो यूनियन समाजवादी।